हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको इस लेक्चर के एवं अन्य लेक्चर्स के स्कैन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। प्रॉब्लम नंबर 1, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए सो डेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। सो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, सो एफ 0 इक्वल टू ए। नाउ फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस h मीन 0 माइनस एच। चूज फंक्शन, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मीन चूज अपर फंक्शन। सो 1 माइनस cos 4 और x के प्लेस पे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा कॉस थीटा। सो कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। नाउ अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ करना है, तो इसका हाफ करें कितना आएगा 2h अपॉन h स्क्वायर। राइट दिस फार्मूला इन ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, हाफ एंगल फार्मूला। नेक्स्ट स्टेप, 2 कॉन्स्टेंट कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0, अब साइन स्क्वायर 2h, सो ब्रेक दिस साइन 2h इंटू साइन 2h। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए अपन को, अपन में 2h चाहिए तो 2h लिख दो, यहाँ भी लिख दो 2h और कंपेयर करो आपने क्या एक्स्ट्रा लिखा है क्या नहीं लिखा है। 2 एज इट इज साइन 2h, साइन 2h h स्क्वायर, h इंटू h h स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा क्या लिखा आपने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिमिट लो, अब क्या आएगी लिमिट, इसकी लिमिट तो हो गई 1, इसकी लिमिट भी हो गई 1, यानी क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4। सो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h यानी मोर देन 0। सो चूज लोअर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ एक समय क्या रखेंगे आप 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन 16 प्लस इन रूट 0 प्लस h इन होल रूट माइनस 4। मोर सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंस टू 0 रूट h 16 प्लस रूट h होल रूट माइनस 4। अब जैसे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है 0 अपॉन 0 फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 माइनस 4 0, सो 0 अपॉन 0 फॉर्म मीन्स रेशनलाइज 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन 16 प्लस रूट एच प्लस 4। मोर सिंप्लीफाई, लिमिट एच टेंस टू 0 दिस इंटू दिस रूट एच
16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 प्लस रूट एच माइनस 4 स्क्वायर मीन 16, 16 और 16 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, रूट एच रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 अपॉन रूट एच, रूट एच रूट एच कैंसिल। नाउ पुट एच इक्वल टू जीरो, सो वी गेट रूट 16 मीन्स 4 प्लस 4 8। And now question is, determine the value of a so that fx is continuous at x equal to 0. When fx is continuous, when left hand limit equal to right hand limit equal to value of fx at x equal to 0. So f0 value to a, left hand limit kitni 8 hai, right hand limit also 8 hai. So when function is continuous, when all three are equal, therefore at a equal to 8, function is continuous. Next problem. Find the value of a for which the function f defined by fx equal to a sin pi by 2 x plus 1 if x is less than equal to 0, 10x minus sin x upon x cube if x is greater than 0. So first write f0, value of function at indicated point. So take first function because x equal to 0. So a sin x equal to 0, so we get pi by 2, and sin 90 means 1. So a. Now find left hand limit. Left hand limit is equal to limit h tends to 0 f 0 minus h. Choose function a sin pi by 2, or in place of x write 0 minus h plus 1. Now put h equal to 0, so sin 90 1 or a into 1 a. Now find right hand limit. Equal to limit h tends to 0 f 0 plus h, means more than x is more than 0, means choose lower function. So limit h tends to 0 10 0 plus h minus sin 0 plus h upon 0 plus h whole cube. Now put h equal to 0, so we get 0 upon 0 form, so convert into standard form. Limit h tends to 0, 10 0 plus h means 10h, so 10h we can write sin h upon cos h, minus sin 0 plus h means sin h, and 0 plus h whole cube h cube. I'm now taking common sin h, so equal to limit h tends to 0 sin h, or in bracket 1 upon cos h minus 1, 1 upon cos h minus 1 upon h cube, so write 1h और h square इसके upon में लिख दो. So this is standard limit, इसके value कितनी हो जाएगी 1. Limit h tends to 0 h tends to 0 sin h upon h equal to 1. अब now simplify this taking LCM, so 1 minus cos h upon cos h into h square.
अब फिर से इसमें अपन लिमिट रख सकते हैं प्रोडक्ट में, और इसके जीरो नहीं आ रहा है, सो कोस जीरो वन, सो ओनली सिंप्लीफाई वन माइनस कोस एच अपॉन एच स्क्वायर। अब नाउ अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला, वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, सो टू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स एच बाय टू अपॉन एच स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, टू कॉन्स्टेंट कॉमन, लिमिट एच टेंस टू जीरो कन्वर्ट इन टू स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, सो ब्रेक इनटू टू पार्ट, साइन एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू अपॉन में, अपन को क्या चाहिए फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, एच अपॉन टू और एच अपॉन टू, टू एज इट इज एच स्क्वायर, एच इंटू एच एच स्क्वायर, लेकिन ये अपन ने एक्स्ट्रा लिखा है, टू से डिवाइड किया तो टू से मल्टीप्लाई कर दो। अब लिमिट लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू वन हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू ऑल्सो वन, सो वी गेट टू इंटू वन बाय टू, इसके लिए तो वन हो गई, इसके लिए वन हो गई, सो वन बाय टू, टू और टू कैंसिल, सो वी गेट वन बाय टू। अब क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आई फॉरगॉट, आई थिंक सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट इज ए, राइट हैंड लिमिट इज वन बाय टू, एंड एफ जीरो इज ए, सो वैल्यू ऑफ ए इज वन बाय टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सो ए पाई बाई टू इक्वल टू ए। नाउ फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एज टेंस टू जीरो एफ पाई बाय टू माइनस एच, ए माइनस ए मीन्स पाई बाय टू माइनस एच। अब नाउ चूज फंक्शन, पाई बाय टू माइनस एच मीन्स लेस देन पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू से छोटी वाली वैल्यू लेनी है, यानी ये लेनी है अपन को, सो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस साइन क्यूब, और यह आएगा पाई बाय टू माइनस एच अपॉन थ्री कॉस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एच। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉस एच और रेस टू द पावर थ्री, सो वन माइनस कॉस क्यूब एच अपॉन कॉस नाइन्टी माइनस थीटा साइन, सो थ्री साइन स्क्वायर एच। अब नाउ पुट एच इक्वल टू जीरो, सो वन माइनस कोस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, सो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मीन्स फर्स्ट सिंप्लीफाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो, नाउ अप्लाई फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वन माइनस कोस एच एंड वन प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, वन इंटू कॉस एच मीन्स कॉस एच एंड प्लस कॉस स्क्वायर एच अपॉन थ्री साइन स्क्वायर एच। वी कैन राइट वन माइनस कॉस स्क्वायर एच, वन माइनस कॉस स्क्वायर एच। नाउ राइट फैक्टर ऑफ दिस,
लिमिट एज टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एच और इन सेकेंड ब्रैकेट वन प्लस कोस एच प्लस कोस स्क्वायर एच अपॉन थ्री फैक्टर ऑफ दिस वन माइनस कोस एच वन प्लस कोस एच सो वन माइनस कोस एच वन माइनस कोस एच कैंसिल वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट कॉमन. अब लिमिटेड ऑफ सीधी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एच इक्वल टू जीरो को जीरो वन वन स्क्वायर वन सो वन प्लस वन प्लस वन थ्री अपॉन थ्री सॉरी थ्री ऑलरेडी रिटर्न एंड वन प्लस वन सो व्हेन वी सिंप्लीफाई थ्री और थ्री कैंसिल सो वी गेट ओनली वन बाय टू सो वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन बाय टू. नाउ फाइंड राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ पाई बाय टू प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो चूज फंक्शन टेक लोअर फंक्शन बी इन ब्रैकेट वन माइनस साइन पाई बाय टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाय टू प्लस एच होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच टेंस टू जीरो बी. नाउ सिंप्लीफाई साइन 90 प्लस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और 90 प्लस में चेंज कोस एच सो वन माइनस कोस एच अपॉन पाई माइनस ओपन द ब्रैकेट सो पाई माइनस टू एच होल स्क्वायर सो पाई और पाई कैंसिल. नाउ अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला लिमिट एच टेंस टू जीरो बी हाफ एंगल फार्मूला टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू अपॉन माइनस टू एच होल स्क्वायर सो फोर एच स्क्वायर टू से फोर कैंसिल टू टाइम्स. नाउ राइट बी अपॉन टू कॉन्स्टेंट कॉमन लिमिट एच टेंस टू जीरो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म साइन स्क्वायर एच बाय टू राइट साइन एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए दोनों के अपॉन में एच बाय टू चाहिए सो राइट एच अपॉन टू एच अपॉन टू. अब कंपेयर करो बी अपॉन टू एज इट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू इंटू साइन एच बाय टू साइन स्क्वायर एच बाय टू एच इंटू एच एच स्क्वायर यानी ये टू टू एक्स्ट्रा है तो मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो. अब लिमिट लो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू अपन एच बाय टू तो वन हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाय टू अपन एच बाय टू अगेन वन सो वी गेट बी बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू सो वी गेट बी अपॉन एट. आफ्टर दिस सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई बाय टू. वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज वन बाय टू राइट हैंड लिमिट इज बी बाय एट एंड एफ पाई बाय टू इज ए सो देयरफॉर this equal to this 1 by 2 equal to b by 8 and a equal to 1 by 2. Now simplify this 2 1 ja 2 2 4 ja 8 so b equal to 4. Next problem if fx equal to this determine the value of constant k so that given function is continuous at x equal to pi by 2. First write value of f pi by 2 is equal to 3.
Now find left hand limit is equal to limit h tends to 0 f pi by 2 minus h is equal to limit h tends to 0. Choose function. Pi by 2 minus something means less than pi by 2 means first function. So k cos pi by 2 minus h upon pi minus 2 pi by 2 minus h. Now simplify. K constant common, limit h tends to 0, cos 90 minus theta sin h upon pi minus pi plus 2h. Pi or pi cancel. K limit h tends to 0 sin h upon 2h, so 2 constant common or sin h upon h is equal to k by 2. So value of left hand side is k by 2. Now find right hand limit. Limit h tends to 0 f pi by 2 plus h means value of x is more than pi by 2. So choose this function is equal to limit h tends to 0 3 tan 2 pi by 2 plus h upon 2x. So 2 pi by 2 plus h minus pi. Simplify karo. 3 constant common. Limit h tends to 0. 2 sandar into kar do. So 10 pi plus 2h. Upon 2 se into kar do. So pi plus 2h minus pi. Pi or pi cancel. Next step. 3. Limit h tends to 0 10 180 plus theta means third quadrant. In third quadrant 10 is positive and no change. So 10 2h upon 2h and is equal to limit h tends to 0 10h upon h is 1. So equal to 3. Clear? After this, since fx, sorry, question is determine the value of constant k so that given function is continuous at x equal to pi by 2. तो यहाँ पे हमेशा बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर वैल्यू निकाल दी f की, अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, दोनों को इक्वल कर दो तो वैल्यू मिल गई, राइट हैंड लिमिट अपन क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन यह क्वेश्चन दिया हुआ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के सो डेट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस. मान लो अपन को एक क्वेश्चन चेंज करके देते एग्जाम में और इसकी वैल्यू मान लो आ गई 5. कितनी आ गई? 5. तब ये दोनों तो आपस में इक्वल ही नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा. मीन्स देर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें तीनों चीज निकाल के चेक करना होगा. तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर एट k इक्वल टू k बाई 2 इक्वल टू 3. सो k इक्वल टू 6. देयरफॉर एट k बाई 2 इक्वल टू 3 डेट इज k इक्वल टू 6. फंक्शन इज कंटिन्यूस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.